वेलकम व्यूअर्स टू अवर न्यू वीडियो ऑन सॉल्विंग गेट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में गेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पर्टिकुलरली एक ही क्वेश्चन लेंगे एक वीडियो में तो इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन लिया है वो इनजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है इंजाइम एक्टिविटी से रिलेटेड एक्जैक्टली exactly. और ये क्वेश्चन कहता है द क्वेश्चन रीड्स एज फॉलोज अंगल सब यूनिट इनजाइम कन्वर्ट्स फोर ट्वेंटी दो हजार पंद्रह में आया था गेट बायोटेक के पेपर में और यह क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजाइम है सिंगल सब यूनिट इंजाइम जिसमें सिर्फ एक ही सब यूनिट है और वो फोर ट्वेंटी माइक्रोमोल ऑफ सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट के फोर ट्वेंटी माइक्रोमोल्स को वो कन्वर्ट कर रही है प्रोडक्ट में कितनी देर में एक मिनट में तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसकी एक्टिविटी क्या हुई इन टर्म्स ऑफ कैटल अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि इंजाइम की एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट की जाती है तो इंजाइम एक्टिविटी इंजाइम का रिएक्शन क्या होता है इंजाइम बेसिकली है क्या इंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है तो क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है तो इंजाइम बेसिकली बायो कैटलिस्ट हैं

प्रोडक्ट फॉर्मेशन अगर इसके बारे में हम पता कर सकें तो प्रोडक्ट के भी रेट ऑफ फॉर्मेशन से कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है पर यूनिट टाइम हम रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन को डिटरमिन करना ज्यादा अच्छा माना जाता है बिकॉज प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन बढ़ती रहती है तो किसी भी चीज को डिटेक्ट करना जब वो उसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो आसान होता है ना कि सबस्ट्रेट की जब कंसेंट्रेशन एक मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाती है जब हमारे एनालिटिकल मेथड्स उसको नहीं डिटरमिन कर सकते इतने सेंसिटिव नहीं होते हैं तो वहां पे सब्सट्रेट कंसेंट्रेशन फिर हम मिनिमम अमाउंट के बाद एक मेजर नहीं कर सकते तो अगर हमारा सब्सट्रेट एक्सेस में है तो हम तो मेजर कर लेंगे बट अगर एंजाइम एक्टिविटी बहुत तेज है और बहुत जल्दी हमारा सब्सट्रेट खत्म हो जा रहा है तो हमें जल्दी से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा अगर हम सब्सट्रेट को लेकर चलते हैं नहीं तो हम लोग जो है प्रेफरेबल मेथड इसलिए हमारा होता है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो कि कंटिन्यूअली इंक्रीज होता रहता है काफी टाइम तक तो उसमें हम लोग आराम से मेजरमेंट कर लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लेकिन करंट क्वेश्चन में हमको इंफॉर्मेशन सब्सट्रेट की दी हुई है तो हम लोग रेट ऑफ सब्सट्रेट कंजम्पशन से को डील करेंगे ठीक है आप हम लोग देखेंगे कि ज्यादातर बायो केमिस्ट्री के बुक्स में और लाइफ साइंसेज में हम लोग रेट एक्सप्लेन करते हुए एक फेमस इक्वेशन निकल के आती है जिसको हम लोग कहते हैं और जो रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने काम आती है वी इज्कवल टू वी मैक्स एस अपॉन के एम प्लस एस ये हमारी माइकेलेस मेंटेन इक्वेशन है इसमें वी मैक्स हमारी मैक्सिमम पॉसिबल रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर द एंजाइम जो भी हमारी पार्टिकुलर एंजाइम है जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं तो उसकी मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन और substrate concentration है हमारा ये जिस पे हमको रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है और के एम इज सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन एट हाफ ऑफ मैक्सिमम विलॉसिटी मतलब इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं का, तो वो कुछ ऐसा ग्राफ बन के आता है तो जब हमारा ये ये, ये ये मैक्सिमम, एक्स एक्सिस पे, पे सबस्ट्रेट हमारा रहता है तो के एम की वैल्यू हमारी अगर हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी है तो इसका हाफ ऑलमोस्ट तो इस पॉइंट पे हमारी जो सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन होगी इसको हम के एम कहते हैं तो बेसिकली के एम की यूनिट सेम है जो कि हमारी सबस्ट्रेट की यूनिट होगी सबस्ट्रेट चाहे हम कंसेंट्रेशन के टर्म्स में ले रहे हो या अमाउंट के टर्म्स में ले रहे हो तो ये हमारी सेम यूनिट होगी तभी ये डायमेंशनली ये ऐड हो सकता है तो डिनोमिनेटर में हमारी सबस्ट्रेट की यूनिट है और ऊपर

सेम आएगी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स बाकी मैथमेटिकली इसको ऐसे नहीं हम लोग सोल्व करेंगे यूनिट्स को यूनिट ऑफ एस कह सकते हैं यूनिट ऑफ एस ठीक है तो ये तो हमने माइक्रेस मेंटेन इक्वेशन समझ ली यहीं पे मैं एक चीज और याद दिला दू कि जब हम लोग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ रेट और ग्रोथ पढ़ते हैं तो वहाँ भी, भी ऐसी कुछ मिलती जुलती इक्वेशन माइक्समेंटन से मिलती जुलती इक्वेशन हम लोग को म्यू स्पेसिफिक के एस प्लस एस के फॉर्म में लिखी होती है यहां पे के एस इज एफिनिटी फॉर द सबस्ट्रेट ये भी वही है वैल्यू ऐसी निकाली जाती है उसकी यहाँ पे वी मैक्स बाई टू था तो जब इसका ग्राफ बनाया जाएगा सेम ऐसे ही ग्राफ आएगा यहाँ पे बस वी मैक्स की जगह म्यू मैक्स आ जाएगा तो इसका भी ग्राफ एकदम सेम बनता है सब्सट्रेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंड स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट में ये मैक्सिमम पॉइंट और हाफ ऑफ म्यू मैक्स टू

सबस्ट्रेट uh, कंसेंट्रेशन uh, को निकालना है हमको अब यहां हमको पता होना चाहिए कि यूनिट्स इसमें क्या है इंजाम एक्टिविटी की यूनिट्स होती क्या है तो इतना तो पता है बिकॉज बिकॉज इट इज अ रेट रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग फिलहाल सबस्ट्रेट को ही लेके चलते हैं प्रोडक्ट भी लेके चलेंगे तभी यूनिट्स के बारे में डिस्कशन सेम होगा हमारा तो यहां पे यूनिट क्या होगी हमारी कि अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट गेटिंग कन्वर्टेड नाउ इसको अगर हम लोग सेंटेंस में लिखें तो हम लोग इसको लिख कह सकते हैं इट इज दउंट ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज कू बींग कन्वर्टेड इंटू प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम सो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम लोग एसआई यूनिट देखें तो एस आई यूनिट हमारी है मोल्स मोल्स इज द एसाई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस सो मोल्स ऑफ सबस्ट्रेट बींग कन्वर्टेड इन टू प्रोडक्ट प्रोडक्ट को मैं पी से डिनोट कर देता हूं और टाइम की एस आई यूनिट है हमारे पास पर यूनिट सेकेंड ओके okay. सो so, हमारी इंजाइम एक्टिविटी की यूनिट फाइनली क्या बन गई मोल्स पर सेकेंड के फॉर्म में और मोल्स पर सेकेंड को हम लोग एक टर्म दे देते हैं एसआई एसआई यूनिट्स हैं ये इसको हम लोग एक टर्म दे देते हैं कैटल का ओके okay. सो so, एसआई SI सिस्टम में इंजाइम एक्टिविटी की यूनिट कैटल होती है और इससे पहले क्योंकि इंजाइम का जब हम लोग कंसेंट्रेशन मेजर करते हैं तो हमारा डेटा जो आता है वो अक्सर जैसा आपने देखा यहां पे भी आंसर में टू पॉर माइनस सिक्स ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड दिया हुआ है तो ये आता था तो पहले भी कैलकुलेशंस में आता था तो कंफर्ट के लिए और इंजाइम एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए uh, एक स्टैंडर्ड बनाया गया था इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जिसको हम लोग आई कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट फॉर इंजाइम एक्टिविटी हम लोग फुल फॉर्म इंटरनेशनल SI नहीं है इट इज इट इज दूनिट फॉर मेजरिंग प्रोडक्ट आर मेजर्ड इन आयु जब आप कोई भी इंजाइम प्रोडक्ट उठा के देखेंगे मार्केट में उसमें आयु लिखा होता है उसमें आयु से डिफाइन की जाती है यूनिट कैटल कम ही यूज किया जाता है बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस और इन कैलकुलेशन so it is defined as micromoles of substrate getting converted into product per minute in one minute okay so our micromoles per minute then it is international unit but we need to calculate enzyme activity in टर्म्स ऑफ कैटल सो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ता लिखते हैं so, इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है किस फोर ट्वेंटी माइक्रोमोल्स अब कैटल में कैलकुलेट करने के लिए हमको उसको मोल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है तो हम लोग फोर ट्वेंटी इंटू माइक्रो

सॉरी दिस इज इक्वल टू सिक्सटी सेकेंड्स सो अब हमको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड दैट इज गिवेन बाई अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट दैट इज बींग कन्वर्टेड इन वन सेकेंड ये हमको कैटल की यूनिट मिल जाएगी ओके okay. ये हमने क्या किया है अमाउंट ऑफ सब्स इज गेटिंग कन्वर्टेड इन द गिवन टाइम दैट इज वन मिनट व्हिच इज 60 सेकंड्स तो मोल्स पर सेकेंड की यूनिट हो गई हमारी यहां पे ये यूनिट हमारी क्या है हमने मोल्स में कन्वर्ट कर लिया था इसको और नीचे हमने टाइम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लिया था तो दिस वुड बिकम सिक्स नाउ We are getting seven into ten to the power minus six. This was relatively easy calculation. So this is moles per second, or as I have said earlier, just tha aapko, 10 to the power, power minus six ये हो जाएगी हमारी इंजाइम इंजाइम एक्टिविटी की यूनिट जहां पर माइनस सिक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है एंड सेवन इज वेयर द ब्लैंक स्पेस एग्जिस्ट तो ब्लैंक स्पेस की जगह सेवन होगा तो इसका आंसर हमारा इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है सेवन थैंक यू